देखिए, हमने पहले भी कहा है, इस पूरे मामले में सम्माननीय हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उसका पालन सबको करना चाहिए। सम्माननीय हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि हड़ताल समाप्त की जाए, और हाई कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है जुड़ा हड़ताल समाप्त कर उस कमेटी के साथ अपनी बातचीत कर सकता है। और हमारे द्वार तो हर समय बातचीत के लिए खुले हैं, मैंने तो हर समय बात की है। सरकार तो जुड़ा की मांगे भी मान चुकी है, पर मुख्य मुद्दा यह है कि क्या हम हाईकोर्ट के निर्णय का पालन नहीं करेंगे? क्या हम हाईकोर्ट से और संविधान से ऊपर हो गए? हाईकोर्ट ने कहा है कि डॉक्टर्स को अपनी शपथ, जूनियर डॉक्टर्स को अपनी शपथ के हिसाब से मरीजों का इलाज करना चाहिए। हम भी उनसे यही निवेदन कर रहे हैं, हमने उनका स्टाइपेंड भी बढ़ाया है, उसको भी बढ़ा रहे हैं, उनकी बाकी भी मांगे हमने मान ली। मुझे लगता है कुछ नेता कांग्रेस के मरीजों के खिलाफ बात कर रहे हैं और वो गुमराह कर रहे हैं। हमारे जूनियर डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, हमारे जूनियर डॉक्टर कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं से गुमराह हो गए हैं। अब बिना बात के नेता लोग ट्वीट कर रहे हैं जिनको मुद्दा ही नहीं मालूम, तो इसका मतलब उनका ट्वीट पीड़ित मानवता के खिलाफ है, मरीजों के खिलाफ है। आज समाज में यही बात स्थापित हुई है कि क्या इस महामारी के समय किसी तरह की हड़ताल युक्तियुक्त है, न्यायोचित है क्या? और जो नेता इस तरह की हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब सीधा सीधा वो मरीजों का विरोध कर रहे हैं, पीड़ित मानवता का विरोध कर रहे हैं, वो समाज के उन लोगों का विरोध कर रहे हैं जिन्हें इलाज की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि हाईकोर्ट के निर्णय का पालन सबको करना चाहिए। हम हर समय से बातचीत के लिए तैयार थे और हैं, हमसे बातचीत करें, अपनी बात को रखें, सरकार की बात को सुनें, पर सबसे महत्वपूर्ण है कि मरीजों का इलाज जरूर करें। मरीजों के हित में हमें जो कुछ करना होगा, हम पहले से कहते आए, हम संवाद इसीलिए कर रहे हैं, हम इसीलिए बातचीत कर रहे हैं, हम इसीलिए मांगों को मान रहे हैं, क्योंकि हम मरीजों का हित चाहते हैं, हम मरीजों का अच्छा इलाज चाहते हैं। और हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसका हम सबको पालन करना चाहिए।